हेलो, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने एन अवस्थी के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 हमसे पूछ रखा है कि आपने एक सैंपल वाटर का लिया, वो आपने एक बार सी से लिया, रिवर से लिया और लेक से लिया, आपने तमाम सोर्सेस उसको कलेक्ट किया और आपने हर बार देखा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो उसमें रेशियो है, जो वेट का रेशियो है, वो हर बार क्या आ रहा है, 1:8 आता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। ये किसको इंडिकेट करता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्यों इंडिकेट करता है? क्योंकि आपका सोर्स चेंज कर रहे हो, आप हर बार क्या करो, सोर्स चेंज कर रहे हो वाटर का, लेकिन फिर भी जो उसमें मास का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 में हमसे पूछ रखा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 एंड H2O कंटेनिंग 5.93% एंड 11.2% हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली, द डाटा इलुस्ट्रेट्स। अब ये डेटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको पता है जब दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो अगर हम उसमें फर्स्ट एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रखें, तो आप ये देखते हो कि सेकेंड एलिमेंट जो है उसके वेट का रेशियो विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बियर्स अ सिंपल रेशियो। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ कुछ नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस लॉ के हिसाब से ये होता है कि जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक बार कंबाइन करके H2O बनाते हैं और एक बार कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2O2 बनाते हैं। तो दो एलिमेंट एक से ज़्यादा के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर अगर हम इसके मास के रेशियो की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास है 16, यहाँ पे बात करें तो 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास की बात करें तो 32। तो यहाँ पे रेशियो आएगा 2:16, यानी इसको सिंपल टर्म से बोल सकते हैं 1:8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1:16 आ जाएगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बताता है आपका कि जब दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, देन मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बियर्स अ सिंपल रेशियो, इफ़ यहाँ पे कंडीशन लगा जाती है कि अगर पहले एलिमेंट का मास को हम फिक्स रखें। तो ये चीज़ यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने रेशियो में बता रखा है, इन्होंने इसी चीज़ को यहाँ पे परसेंटेज में बोल दिया है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 हमसे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलुस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे कौन सा लॉ फिट बैठता है? तो देखो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को मैं समझने के लिए मैं आपको इसके आंसर के थ्रू ही इस लॉ को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो इसका आंसर जो है हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। देखो, जब आपके पास तीन एलिमेंट्स हों, जैसे आपके पास कौन कौन से तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, आपने देखा कि एक बार ये दोनों एलिमेंट्स ने आपका क्या किया, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, CH2। फिर क्या हुआ आपके, ये देखो, ये एलिमेंट फर्स्ट था, ये एलिमेंट सेकेंड था और ये एलिमेंट हमारे पास थर्ड था। तो पहले वाले में किसने कंपाउंड फॉर्म किया, फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में। नेक्स्ट स्टेप में किसने कंपाउंड फॉर्म किया, फर्स्ट और थर्ड वाले में किसने फॉर्म किया, CO2। तो जब आपके पास दो ऐसे कंपाउंड हों जिसमें एक एलिमेंट आपके पास कॉमन हो, तो अब उस एलिमेंट को आप कॉमन वाले एलिमेंट को हटा दीजिए, तो अगर बाकी के दोनों कंपाउंड आपस में एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो लॉ अप्लीकेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर से सुन लें, जब आपके पास दो कंपाउंड हो जिसमें से केवल एक ही एलिमेंट आपके पास कॉमन हो, तो उस कॉमन एलिमेंट को छोड़ दीजिए, अगर तीसरा कंपाउंड इन दोनों बचे हुए दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे जो लॉ अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बी ऑप्शन को अगर आप देखो, आपके पास दो कंपाउंड है NaCl और क्या दिया हुआ है, NaBr। आप देख सकते हो ये दो ऐसे कंपाउंड है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, सोडियम, और यहाँ पे भी सोडियम। तो यानी अगर अब तीसरा कंपाउंड बने जिसमें ये सोडियम नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, यानी अगर तीसरा कंपाउंड ClBr लिख दिया जाता,
तो ये ऑप्शन बी सही हो रहा था। क्यों? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहाँ वैलिड होता है? जब ऐसे दो कंपाउंड जिनमें एक ही एलिमेंट कॉमन था तो उसको हटा दिया गया, अब बचे हुए दोनों एलिमेंट अगर तीसरा कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे जो लॉ अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे आपके एन अवस्थी बुक के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।